Kindly give some tips for inner peace, contentment and happiness. ये बहुत ही यूनिवर्सल क्वेश्चन है. हर आदमी ये क्वेश्चन करता है. मैं कहता हूँ कि रिलीजियस आदमी, सेकुलर आदमी, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब, और सब इसी में हैं. लेकिन देखिए, यहाँ पे आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि इसका सही जवाब क्या है, सही आंसर क्या है. सही आंसर यही है कि आप इस बात को जानें कि कुछ चीज़ें इस दुनिया में अचीवेबल हैं, कुछ अचीवेबल नहीं हैं. ये सारे लोग जो हैं, चाहे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, इंडियन हो या अमेरिकन हो, दे आर ट्राइंग टू अचीव व्हाट इज नॉट अचीवेबल इन दिस वर्ल्ड. दिस लीड्स टू कन्फ्यूजन एंड डिसकंटेंटमेंट. सारे लोगों के एक ही है कि जो चीज अचीवेबल नहीं है उसी के पीछे दौड़ते हैं. सिर्फ कंटेंटमेंट ही में आपको पीस मिल सकता है और किसी चीज में नहीं. कंटेंटमेंट यानी जो है उस पर अपने आप को कनाट कर लेना. कंटेंटमेंट अचीवमेंट में नहीं है. देखिए दो वर्ड हैं, एक अचीवमेंट, एक कंटेंटमेंट. इसी दो वर्ड को समझ लीजिए आप. कि एक ये है कि आप जो कुछ आपके डिजायर्स हैं, जो कुछ आपकी चाहत है, उसको आप अचीव करना चाहें. ये पॉसिबल नहीं है, चाहे आप इंडिया में रहें, चाहे अमेरिका में रहें, यूरोप में रहें, कहीं जाएं, अचीव नहीं कर पाएंगे आप. दौड़ते हैं लोग यहां से वहां, वहां से वहां, सिर्फ इसलिए कि अपने डिजायर को फुलफिल कर सके. वो कभी फुलफिल नहीं होती, ना यहां होती, ना अमेरिका में होती, ना यूरोप में, ना कहीं. परेशान के परेशान रहते हैं. फिर भी हम तो ही इंडिया में पूरी तरीके से हमको पीस मिला हुआ है, पीस ऑफ माइंड. लोगों को बार बार जाकर भी नहीं मिलता. तो देखिए, अच्छी तरह समझ लीजिए कि पीस ऑफ माइंड उसको मिलेगा जो ये जान ले कि जो कि सब चाहते हैं वो मिलेगी सिर्फ पैराडाइज में, दुनिया में नहीं. मैंने इससे पहले एक मिसाल दी थी कि सपोज मैं वॉक करने का बहुत मेरा शौक है, डेली मैं वॉक करता हूँ पार्क में खूब, और मैं हवाई जहाज सफर कर रहा हूँ, तो चाहे मैं फर्स्ट क्लास में हूँ तब भी मैं हवाई जहाज में वॉक नहीं कर सकता. वहाँ मुझे पार्क नहीं मिलेगा, पार्क जहाँ मैं वॉक कर सकूँ. तो क्या वहाँ पर पीस ऑफ माइंड कैसे मिलेगा? यह मानकर मिलेगा कि हवाई जहाज के अंदर पार्क नहीं हो सकता, इसलिए हवाई जहाज के अंदर मैं उस तरह से वॉक भी नहीं कर सकता. यह दुनिया जो है ऐसे ही है. यह दुनिया खुदा ने बनाई है इसलिए नहीं कि हाँ अपनी डिजायर को आप पूरा करें. यह दुनिया है टेस्टिंग ग्राउंड. यहां हर चीज टेस्ट पेपर है. आपके पास हेल्थ है तो भी टेस्ट पेपर है. आपके पास आप बीमार हैं तब भी टेस्ट पेपर है. आप पुअर हैं तब भी टेस्ट पेपर है. वेल्दी है तब भी टेस्ट पेपर है. पावर है तब भी टेस्ट पेपर है. पावरलेस है तब भी टेस्ट पेपर. जो कुछ भी है वो टेस्ट पेपर है. जैसे कुछ लोग घर बनाते हैं तो लिख देते हैं हाजा मिन फजल रब्बी. बिल्कुल गलत है ये. घर किसी के लिए फजल रब नहीं है, वो टेस्ट पेपर है वो भी. तो जब तक आदमी इस बात को न जान ले कि चैन और सुकून और प्लेजर और कंफर्ट मिलेगा सिर्फ पैराडाइज में, तब तक वो परेशानी रहेगा. बिलियन बिलियन डॉलर भी उसको चैन नहीं दे सकता है.